आधार कार्ड निकालूंगा अभी उसके तो डट पड़ते चेंज बस इतनी जान तुझे बता इनके घर के जो सब मित्र है इनके घर के देवता तुझे डर नहीं लगता किसी से भी जो तेरी मासी पीछे खड़ी है उसको तू ही लेके साथ चलता है भाई आ गई झलक दिखाएगी वो कौन हूँ मैं बताऊँ कौन है नया सा नाम ढूंढता हूँ तेरा बता दे नया सा नाम ढूंढूंगा बढ़िया वाला मुझे तो थोड़ा थोड़ा ना इतना क्यूट सा लग रहा स्मार्ट सा लग रहा तुम अब वरुण धवन नाम रख दूं तेरा है इतना बढ़िया नाम है वरुण धवन बढ़िया मुझे पता तू परेशान है मुझे पता तू खुद ही परेशान जो खुद परेशान होते हैं जो आकड़े होते हैं तो ये बताओ इसके घर में गुरु का भी प्यारा है क्या लगता है आपका भतीजा मतलब कौन से बड़े कलर मेरे से बड़े कलर अच्छा अलग अलग फैमिली वो भी खत्म हो गया इसी चक्कर में इसीलिए अलग 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 फैमिली को वो मेरे से छोटे अरे इसकी मम्मी को तो जरूर लेके आना था तुमने नहीं वीडियो में तो आपने ये कह दिया कि फोटो तो कर देंगे लेकिन हमने कहा था लेके आएंगे मम्मी को लेके आना था इसको इसकी मम्मी को लेके आना नहीं आपने बोला नहीं था ना इसके नाम की चीज ही नहीं है भाई इसके मम्मी के नाम की है भाई आइयो आ जा आ जा नीचे बैठो नीचे बैठो नीचे बैठो नीचे बैठो नीचे नीचे बैठो लड़की का नाम क्या है इसका नाम क्या है मनोज देख भाई आ जा तुम्हारे घर में मेन पितरों की प्रॉब्लम ठीक है जो इस टाइम आंखें इसकी जा रही हैं ये तो है औरत जो कभी कभी जीभ भी निकालेगी ठीक है तो आंखें इसकी जा रही कभी कभी जीभ निकालेगी वो तो है औरत जो इसके शरीर में है ये एक आदमी जैसा है जिसको कहते हैं जीन टाइप है ठीक है इनके घर की क्रिया ये इनके घर की क्रिया हमारे घर की क्रिया इनके घर की क्रिया वो तो हमारी एक ही ये मेरे से बड़े का है मेरी बात समझो तो हमारा तो एक ही घर हो गया ना अलग एक ही घर में रहते हो और क्या हमारे पिताजी वो हमारे पिताजी हैं ये मेरे से बड़े का लड़का वो भी खत्म इसी चीज में कभी जिंद बता रहा है मेरे को कौन हूँ मैं जानता है मेरे को भूषण ब्लाकी बोलते हैं ब्राह्मण भूषण जो ब्लाकी होते हैं ना हाँ कौन कैसा होता ब्लाकी हाँ दो मिनट जो ब्लाकी होते हैं ना तो मुझे पता है जो जगह जगह तुम जाओगे ना तब जगह जगह जाओगे जो माइंड के बीच में सेटिंग करके डेली ब्लॉक के पैर के नीचे रहते हैं डेली ब्लॉक की पैर के नीचे रहते हैं जैसे ब्लॉक के पैर के नीचे अरे जा 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 क्या नाम है ब्लॉक का अरे जा और है कौन है तू अरे बस रहने दे जो जितना अंकार है ना इलाके में इतना हिट रहा है ना इलाके में आकर देख इलाका नहीं आएगा तू इलाका तो कुत्तों के होता है कुत्ते का नहीं शेर का बांटा जाता है इसीलिए तो तू इधर नेता कर रहा है अबे तू मेरे को हटा के दिखा दे जा तू किसी को बुला ले तू जानता नहीं अभी मेरे को मेरे तो गुरुजी हटा सुन तू जैसे इन सब की बता रहा है ना तंत्र की क्रिया गुरुजी घंटा में बता के दिखाऊंगा इनकी जो गुरुजी हटाते हैं गुरुजी बताते हैं हटाते हैं हम तो बताते हैं बे ओए तेरे वर्गे बथेरे देखे हैं जो खेल खेल के आ रहा है क्या कर लेगा अरे आदमी सुन तेरे को चैलेंज है मेरा इस छोरी पर से मुझे हटा के दिखा दे सीधे हमारे हटाएंगे हम तो देवता के ऊपर तू अरे देवता और सुनो ओए 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 सुन ये इलाका तेरा ओए सुन बैठ जा ये इलाका तेरा और मेरे इलाके में आके देख आजा आजा जिधर मर्जी गिरी ये देख रहा है ना सिंहासन इससे बड़ा सिंहासन है जिधर मर्जी हाजी हो बन रहा है ज्यादा मंत्री चले चला नहीं करता मैं तेरे से इधर से जा कभी भी आ अरे जा कोई को आ जा इसीलिए तो यहाँ खड़ा हूँ तू मुझे भगा नहीं सकता हिला नहीं सकता यार चल तू जानता नहीं अभी मैं कौन हूँ पास मेरे को इमरान पठान बोल
सत्तावन तरीका की जांच चला सकता हूँ। जो इरफान पठान कोई भी होता है क्या है, मतलब एज ए मुस्लिम होते हैं, मुस्लिम है जीने, अगर जीने तो अगर ढंग से आ फिर इसके ऊपर है तो 5 मिनट मेरा जाप सुन लियो, 5 मिनट भाई, 5 मिनट नहीं तू 15 मिनट जाप सुना, और जब मैं एक मंत्र तेरे को चलाऊंगा ना तू सिंहासन भूल जाएगा अपना, याद रख ले तेरी मुझे ये शर्त मंजूर हो, ये टाइपिंग करना बंद कर, तेरा खेल शुरू करो, भगा के दिखा दे इरफान पठान मेरा नाम, चल ओके भगा, चल भगा, ओए होए, और तुझे मैं अब चैलेंजर करके जा रहा हूं, इधर तू इधर इतने बड़े मंदिर में बैठा है ना, तेरे को एक महीने के अंदर इसमें से नहीं हटा दिया मैंने, ओए होए होए, ये बच्चा मेरी वीडियो देखता था क्या? मैंने देखा इसको कहां का लेके गए, इसको तो बहुत जगह लेके गए, घर पर भी बुलाया, बहुत जोर पीट के नहीं लगाया इसने। देखो मैं आपको बात बताता हूँ क्या चीज होती है, जो एज ए प्रेत होते हैं ठीक है, प्रेत क्या करते हैं तो सबसे तो पहले अपनी इनके मन बुद्धि पे कब्जा करते हैं, ठीक है, मन बुद्धि पे कब्जा करते हैं, तो मन बुद्धि पे कब्जा आके इतने जो भी एक्टिंग कर रहा है ये एक्टिविटी और कुछ भी नहीं, क्या कर रहे हैं एक्टिविटी, जो हम लोग होते हैं हम प्रेत बाधा से डर जाते हैं, ठीक है, ये चीजें एक बार जाती भी नहीं है, जितना मर्जी मंत्र पढ़ना ये कुछ करना ये करना करना पे, मतलब जो गुरु का सच्चा है जो अपना जप के ऊपर ठहरा है तो सब कुछ है, ठीक है, इसके ऊपर दो चीजें हैं, एक औरत है ठीक है, आदमी है ठीक है, मैं तो एज ए जिन ही बोलूंगा, जो जिन मुस्लिम होते हैं एज ए चाहे देवता है ठीक है, मैं मानता हूँ देवता, देवता तो गलत क्रिया के बीच में छोड़ रखा है ना, समझिए, अब लोग कहते हैं पितर, पितर चाहे किसी के घर का जो प्रेत है, किसी ना किसी घर का तो पितर है ना, लोग एज ए शनि धाम में भी जब मैं आया था नया नया लोगों ने को मैंने भी बताया था, मतलब भैया भी ये बात करते हैं, तो लोगों को किसी को पता ही नहीं था, वो सोचते थे कला प्रेत ही प्रेत प्रेत ही प्रेत, जो इतनी ताकतवर चीज आएगी कुछ भी आएगी वो हमेशा कहते हैं नॉर्मल प्रेत अलग होते हैं, लड़के थोड़ा सा होश में आ जा वो चीज चलेगी, होश में आ जा, तो होश में आ जा लड़के, जो नेगेटिविटी की प्रॉब्लम होती है वो किसी ना किसी के घर का पितर है, तो लोग क्या करते हैं अपने ही सिद्धि, कोई पीर को मानता है ठीक है, कोई माता को काली को मानता है, कोई क्या करता है, उनको जो उसको भोग देते हैं उसकी बलि करके उसको त्वरित बलि करके उसके ऊपर छोड़ दिया जाता है, ठीक है, इसको क्या, मतलब ये पूरा प्रेत के बीच में नहीं होएगा, ये कह रहा है बिल्कुल सही में मान रहा हूं, क्योंकि इतनी आज तक हम भी दरबार में सेवा करते हैं, जो इतनी पावरफुल वाले आते हैं लोग, इतनी पावरफुल जैसे ये बोल रहा सब कुछ कर रहा है, हम इसका पूरा नहीं मानते, ठीक है, तू कहना क्यों, क्योंकि उसका काम ही ये है तू करके बोलना, भगत वो हमेशा कभी किसी का भला बुरा नहीं लगता, ये तो कुछ भी नहीं है, एक प्रेत आया था उसने मेरे पे हाथ भी उठाया था, क्योंकि ये तो कुछ नहीं है, जब भैया ने नमाज काम स्टार्ट करा था जब नींबू की क्रिया करते थे, भैया के भी किसी प्रेत ने चाकू ऐसे कर दिया था उंगली के कट लग गया था, क्योंकि इस चीज से खेलना जो से बड़े बड़े महापुरुष होते हैं संत होते हैं वो इसी करके तो प्रेत उठा नहीं सकते, क्योंकि वो कहते हैं हमारे से प्रेत नहीं कटते, क्योंकि लड़का बड़ा कमजोर है, लड़का कमजोर है, लड़के के करके शरीर में जो एक्टिविटी आ रही है तो उसमें फूल जान आ रही है, अंकिता नाम लड़के तेरा, मनोज राम, मनोज कौन सी क्लास में पढ़ता है, उसको दिखाओ 12th क्लास कर दे, मनोज जब तेरे शरीर में चीज आती तुझे होश होता है, नहीं बिल्कुल नहीं होता है, कभी कभार तो भूल जाता हूँ, कभी कभार ध्यान सा रहता है, कभी कभी आता है, अभी भी है मेरे शरीर में, नहीं वो तो मुझे पता है, तुझे डर भी लगता है कभी, देख कंट्रोल, आज तक डर नहीं लगा मेरे को, जैसे आप दिख रहे हैं ना ऐसी सब दिखती है, सब चीज खड़ी हुई जैसे आप बता रहे ना, मैं एक सेकंड के अंदर बता दूंगा कौन पे क्या चल रही है, वो तो बता देगा, बताऊं क्यों, क्योंकि तेरे पास ये चीज है ना, ये भी बता दूंगा कि ये कहां से आ रहा और क्या उसके साथ हुआ है, और ये बता दूंगा कि अगले दिन भी इसके साथ ये हो सकता है, ये हो सकता है, मैं तुझे बता रहा हूं क्योंकि हम भी ये काम करते हैं इस समय में, लेकिन मेरे पास 24 घंटा कभी भी आता तो पहले यही आता मुसलमान, आज तक क्या कोई बड़ी दिक्कत बात नहीं, जो होते हैं जिन होते हैं, जो जिन आप बोलते हैं, जो जिन हमेशा हर चीज को बता पाते हैं, क्योंकि ये मुस्लिम सिद्धि होती है, ये पीर पैगंबर होते हैं, कौन होते हैं पीर पैगंबर, जैसे कि पठान हो गया, पठान साहब हो गए, ये चीज होगी, मतलब इनको मलिन करके चीज भेज देना, तेरे घर में प्रॉब्लम रहती है कि नहीं बता, मेरे घर में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है, मैं एक बताता हूँ सर, पर मैं तुझे एक बात बताता हूँ, तेरे शरीर में दर्द भी रहते हैं, 24 घंटा मरो राम गुरु जी क्या बात कर रहे हैं, उठो भी ना जाओ, उठा उठा के लामा करते हो, अगर आप एक बार, पर इसकी बैठने की जगह तो नहीं है, जैसे भैया ने हमें सिखाया, तेरे बैठने की जगह नहीं है इसकी,
कैसे मतलब? एक प्रेत होता ना, प्रेत की बैठने की जगह होती है, यहाँ बैठा रहता है 24 घंटा, यहाँ से स्टार्ट होता है। पर मुझे जगह नहीं दिख रही, पहला केस है जो से मुझे जगह नहीं दिख रही। आपका पहला केस है ना, मेरे गुरु यहीं से उठता है, यहाँ से उठता है, यहाँ चलता है और तुरंत एकदम शरीर इसके बगल में सोता है। यहाँ 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 से उठता है और से देखो, और अभी भी इसी जगह बैठा है। आपको दिखेगा ही नहीं, हर किसी को नहीं दिखा, बड़े बड़े सिद्धांतों को नहीं। ये भी तो पूरा कलाकार है। देख मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, ठीक है, जितना मुझे दिखता है मैं बताता हूँ। नहीं सर मैं, ठीक है, नहीं मैं तुझे एक बता रहा हूँ, मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, क्योंकि एज ए हम भी अपनी अपनी फील्ड के बीच में 2 साल, मैं जितना मुझे दिखता है, पर मैं प्रेतपुर से डरता नहीं हूँ जितना भी है। देख हाथ उठा लेगा कोई फर्क नहीं पड़ता, देख हाथ की नहीं, तुझे नहीं मैं कह रहा, एक लड़का आया था मेरे पास, उसने मेरे पे हाथ उठाया, बताऊँ 4 बंदे आए उसको पड़ गए, मैंने उसको छोड़ा, मैं कहा फिर क्या यार, उसने तो कोई चीज आ रही है, प्रेत आ रहा है, क्यों हम उसकी क्यों, हम उसको क्यों करें? उस लड़के के खून भी आ गया था, उसका खून देख के मुझे इतना तरस हुआ, मैं कहा छोड़ दो यार, फिर क्या, अगर जो किसी से मार से डर गया वो भगत नहीं है, क्योंकि हमने तो उसको ठीक करना है, आज नहीं तो कल ठीक तो होएगा भाई, आज नहीं तो कल ठीक होएगा। अगर बताऊं कि माइंड के बीच में सेट होता हम ठीक नहीं हो सकते, मैं साइकोलॉजी बिल्कुल नहीं रखता हूं, मैं कह रहा हूं माइंड के बीच में हमारे ठीक रहते हैं, हम ठीक नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि दुनिया पे हर किसी चीज का तोड़ है, तो होता ही है कभी, कोई ऐसी चीज है, अगर देखो इंसान भी ऐसा है जो धरती पे आया वो ना जाए, हर किसी चीज का तोड़ है, समय जरूर लगता है, समझ गया ना, समय जरूर लगता है, ये चीज है ताकतवर चीज है, ठीक है, चैलेंज करने में। अगर मेरे सामने कोई और, जैसे आप घर पे हो, घर पे कभी भी भगत आते हैं वो तो रात में काम स्टार्ट करते हैं, नहीं मतलब कोई भी है घर में भगत आते हैं, अगर ऐसे रात को चिल्लाओगे कुछ भी करोगे तो भगत भी डर जाएगा, तो वैसे भी कोई भी डर जाएगा। मटका का पानी एक साथ पी गया ना, पी जाता है भाई, मैं कहता हूँ 6 घंटे पीता है। अरे मतलब मुझे सुनना शुरू हो गया, देखना और जैसे सुनता सम कोई संकरंट में आवाज आने चल, इधर आ मेरे पास, इधर अपन तुझे प्यार से बैठाएंगे, किसी और का देखेंगे, क्या पता ये चीज साफ ही हो जाए तेरी। देखो ये तो कर रहा था, हम अभी परख ले रहे हैं इसको, इधर बैठ, ऐसे होके बैठ, ऐसे अरे ऐसे जैसे भैया बैठ, अब कोई भी आएगा, आओ सर जी।